me, and I'm very happy to be associated with this album. And I wish all the best, good luck to the success of this album. May this album turn into a big film, and very soon this person, both of them, the hero and the heroine, will hit the success of the life. Thank you very much. मैं तो बस यही बताऊँ कि बहुत मेहनत की है इस एल्बम को बनाने में और बहुत सपोर्ट रहा है हमारे डायरेक्टर प्रणव जी और संतोष जी और रियाना वैसे तो टैलेंटेड एक्ट्रेस है बट साथ में काम किया तो पता चला कि हाँ वाकई बहुत कोऑपरेटिव हैं सारे लोग एजाज जी ने बहुत हेल्प की है और किशन जी तो खैर हैं इनके हेल्प के बिना तो ये इवेंट भी पॉसिबल नहीं था तो कुल मिला के बहुत मेहनत से एल्बम बना है मार्केट में रिलीज़ हो गया है और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा चलेगा हिट जाएगा ताकि आगे और अच्छे हम एल्बम बनाएं और फिल्में बनाएं एल्बम के बारे में क्या बोलना चाहिए कुछ उसके गाने के बारे में गाना स्पेशली वैलेंटाइन डे स्पेशल है इसलिए आज हम रिलीज़ कर रहे हैं इसको और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस गाने की रोमांटिक सॉन्ग और यूजुअली बहुत अच्छा ये क्या बोलते हैं शूट किया गया है आपको कहीं भी किसी कोने से लगेगा कि नहीं नहीं कि ये छोटे लेवल का सॉन्ग है इसके बोल बोल के बारे में कुछ बताइए गाने के बोल बहुत अच्छे हैं इसका टाइटल है टाइटल है कांच और दिल कांच का इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग बेसिकली एक लड़का लड़की जो आपस में बहुत प्यार करते हैं कुछ गलत फहमी का शिकार होने की वजह से उन दोनों में फाइट होती है झगड़ा होता है एंड देन फिर वापस में फाइनली उसको उसकी याद आती है उसको उसकी याद आती है जैसे फिल्मों में होते हैं फिल्मों की स्टोरी होती है जस्ट लाइक अ फिल्म स्टोरी अपने कोस्टार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करके एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि एक्ट्रेस अच्छी है इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हुई काम करने में और बहुत ज़्यादा रिटेक्स नहीं हुए ना मेरे ना इनके तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो गया और वेरी कोऑपरेटिव शीज प्रणव सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे अरे प्रणव सर के बारे में तो मैं हमारी एक्चुअली बहुत पुरानी दोस्ती है हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है बट इस साल का पहला काम ये हमारा फाइनली हम लोगों ने बहुत काम किया बट वो मार्केट में आया नहीं बट ये इस बार ऐसा हो गया है कि ये बहुत धमाकेदार एंट्री के साथ हम दोनों का हम लोगों ने बहुत कुछ साथ में बनाया लेकिन हम इन दोनों बैठ के साथ में देखते थे अब लोग देख रहे हैं अब फाइनली ये मार्केट में आया और देखेंगे लोग अब ओके मैम आप क्या बोलना चाहेंगी इस गाने को लेकर पहले तो बोलना चाहूँगी बहुत एक्साइटेड हूँ गाना मतलब अभी आ गया है मार्केट में तो गाना जो है लिरिक्स जो दिए हैं वो जयवीर पंगाल और डायरेक्ट किए हैं प्रणव जी तो मेरे को एक्टर हैं अखिलेश तो किशन जी को तो थैंक्स सबने बोला है मैं भी बोलूँगी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस गाने जब हमने शूट किया था इसके मतलब इसके लिरिक्स मतलब वीडियो जैसे ऑडियो से लेके वीडियो तक पूरा टोटल जर्नी में मैं पूरा इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों में सो बहुत एक्साइटेड थी उस वक्त तो कैसे रिलीज़ होगा कैसे आएगा और गाना लोगों को कैसे पसंद होगा इसका विजुअल बहुत ही अच्छा बना है बहुत मेहनत की है इस सॉन्ग के लिए बाकी फाइनली आज रिलीज़ हो गया है काफ़ी सारे अप्रिशिएट भी मिल गया है हमें यूट्यूब में सो सबको थैंक यू सीन में काफ़ी बोल्डनेस दिख रहा है कितना कंफर्टेबल थी करने में क्या बोलना था आई थिंक मेरे हिसाब से ये बोल्डनेस उतना नहीं है काफी कम है बहुत कम है बोला जाए एक्चुअली दिस इज नॉट बोल्डनेस दिस इज ग्लैमरस ग्लैमर पार्ट ज्यादा है और पूरी कोशिश की गई है कि चीपनेस ना बोल्डनेस देखना तो एल्ट वाला जी देखिए बहुत कम है इज अ वेरी क्लासी सॉन्ग हमने बहुत ध्यान में रख के बनाया इसको ताकि बच्चे भी देख सके बड़े भी देख सके यूथ देख सके और स्पेशली मतलब फैमिलीज भी इसको देख सके और जैसे वैलेंटाइन में रिलीज करने का ये हो रहा है कि जैसे काफी सारे लवर्स सबके में बहुत कुछ होता है आज किसी का पैचअप भी हो रहा होगा किसी का ब्रेकअप भी हो रहा होगा या नए लवर्स भी बने होंगे सो स्पेशली ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ को बनाया गया है सो काफ़ी लोगों को कनेक्ट करेगा यकीन तो है बहुत अच्छा गाना है और अक्की के साथ तो बहुत लंबा टाइम से मेरा छोटा भाई भी है उम्र में छोटा है मेरे से छोटा भाई है एट द सेम टाइम हम बहुत अच्छे दोस्त रहे काफ़ी प्रयास किया हमने बहुत टाइम से हमेशा आपको लगता है कि नहीं यार ये आपका काम आगे आएगा ये बेस्ट है बट आपको भी खुद नहीं पता होता कि क्या काम पहले बाहर आएगा तो मेरा और अक्की का फॉर्चुनेटली ये काम पहली बार साथ में बाहर आ रहा है और देखिए ना आज अच्छा व्यू है अच्छा खासा जिस वक्त मैं ये इंटरव्यू आप लोग के साथ कर रहा हूँ इस समय तक भी बहुत अच्छा आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से रिस्पॉन्स है तो एक टीम वर्क है अच्छा काम रहा है सबका दोनों ही काफ़ी अच्छी जोड़ी बहुत अच्छी है मैं तो खासतौर पर कहना चाहूँगा भाई
साथ में दो चार फिल्में कर डालूं। बहुत अच्छी जोड़ी है, बहुत अच्छी जोड़ी है कसम से। जी ये जो आप देख रहे हैं ये कांच है, ठीक है, ये कमिंग सून इसलिए है बिकॉज ये म्यूजिक वीडियो रेडी है। इसका नाम सुकून है और इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग और एक बहुत मतलब ट्रू लव के ऊपर बेस्ड है कहानी। तो इसका टाइटल है सुकून, ये जल्दी ही आने वाला है। ये सुकून से रिलीज करेंगे इसलिए इसका नाम सुकून है। ये लोकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ पे शूट किया गया है? इसका जो कांच है वो मुंबई में शूट हुआ है। कांच का ये जो रिलीज हुआ है आज, सुकून का हमने दिल्ली नैनीताल में पूरा शूट किया। बहुत नहीं शूट हो चुका है बस ये 17 तारीख, आज 14 तारीख आज प्यार मोहब्बत करके सब थोड़ा इत्मीनान हो जाए, थोड़ा सुकून से 17 तारीख को थोड़ा थक जाएंगे वैलेंटाइन डे से तो फिर ये गाना आ जाएगा। यस सर, आप बताइए। सुकून की तलाश शुरू हो जाएगी जी। सबसे पहले मैं विश करना चाहूँगा और सबको वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है इश्क वालों के लिए, प्यार वालों के लिए, और इसी खूबसूरती को बनाने के लिए आज किशनगंज सर और प्रणव और अकी रियाना, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम हम सब लोगों के सामने पेश किया है। और मैं एक्चुअली देख रहा था कि आज ही ये रिलीज़ हुआ और 1 लाख के आसपास व्यूवर्स ने देख लिया है इसको। बहुत ही कमाल का सॉन्ग है, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रियाना के साथ तो मैंने पहले भी काम किया है, रियाना ने मेरी पिछली फिल्म लाइफ की ऐसी की तैसी में लीड रोल किया था, तो मैं बहुत फेमिलियर हूँ उसके नेचर से, उसकी एक्टिंग से, उसके परफॉर्मेंस से। और अखिलेश वर्मा, जिनको आप लोग अखिलेश वर्मा कहते हैं, हम लोग उन्हें प्यार से अखी कहते हैं, फैबुलस एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर भी हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि मैं अखी के साथ फिल्म करूँ और मैं बस आप मीडिया के सामने अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं इसी जोड़ी को लेके एक नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सर के हाथ से ही उसका पोस्टर भी नया लॉन्च किया जाए। बस 1 मार्च से हम लोग एक फिल्म शुरू करेंगे। इट्स अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट, हॉरर कॉमेडी, और मैं चाहता हूँ कि अखिलेश वर्मा और रियाना उस फिल्म को लीड करें और मैं खुद उसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करूँगा। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद ही मिनटों में एक फर्स्ट हम लोग लुक भी लॉन्च करेंगे आप सब लोगों के सामने। मैं इस वैलेंटाइंस डे के खूबसूरत मौके पर उसको मैं शेयर करना चाहूँगा। तो थैंक यू एंड लव यू ऑल एंड लेट मी गेट बैक टू यू सून विद सम स्टैंडी। ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है अब तो, क्या बोलूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अब बस। हाँ, साइनिंग नहीं मिली वो मिल जाए तो अनाउंसमेंट हो गया है वो बाकी बैक स्टेज। तो खुश हैं, बहुत खुश हैं संतोष जी। बताइए तुम बारे बताइए। बस कुछ नहीं, एक छोटी सी कोशिश थी, एक परिवार का हिस्सा है हम लोग और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएँ मिलेंगी। और आप लोग दर्शकों की तरफ से मैं सबको हैप्पी वैलेंटाइन बोलता हूँ और उदय भगत जी को स्पेशली थैंक्स कहता हूँ मैं। हम सब की तरफ से उदय भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा हाथ है यहाँ तक पहुँचाने में। उदय उदय भगत जी की देन है। उदय जी यहाँ है नहीं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिज नेम, ही इज लाइक ए चाइल्ड टू मी। अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड भोजपुरी फिल्म्स इन बॉम्बे ही स्टार्टेड एज ए जर्नलिस्ट हियर। ओके, वन स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट इन भोजपुरी, वो वन मैन शो करके दिखाया। आई वाज द पर्सन हु स्टार्टेड भोजपुरी इन बॉम्बे। उदय जी का पूरा बहुत बड़ा भोजपुरी फिल्म आफ्टर द गैप ऑफ 20 इयर्स वाज रिलीज्ड बाय मी ओनली। इट वाज सैया हमार। अच्छा, इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मी, सैया हमार, देन पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई। एंड उदय इज लाइक उदय वाज दैट टाइम उदय भगत जस्ट स्टार्टेड एज ए हिज करियर एज ए जर्नलिस्ट ओनली। या ही इज फर्स्ट टाइम एज अ प्रोड्यूसर इन द भोजपुरी एज अ प्रेजेंटर। और फाइनली वेब सिनेमा को थैंक यू बोल रहा हूं। फॉर माय मैगजीन आल्सो भोजपुरी सिटी माय मैगजीन वाज देयर। उदय जी से फोन पे मेरी बात हुई आज, तो वो है नहीं संजोग से, उनको मैंने कहा जी बधाई हो, अच्छा व्यूज जा रहा है, क्या मैं खुश नहीं हूँ। मैंने बोला क्या सोच रखा था, उन्होंने कहा मैं 5-7 लाख सोचा था व्यूज मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई जब इनकी ऐसी सोच है तो वाकई और धमाल होना बाकी है। तो कई कई लोग आज बिजी भी तो होंगे वैलेंटाइन में, कल कुछ और मिल जाएगा। थैंक्स टू व्यूअर्स। सर कितना टाइम लगा ये एल्बम बनाने में, शूट करने में? महीने भर का पूरा इधर की मेहनत है
ऑलमोस्ट लाइक प्री प्रोडक्शन वगैरह सब मिला के किसी भी एल्बम को बनाने में ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाता है। आप प्लानिंग करते हैं प्रॉपर कि आप थीम सोचते हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, आप लोकेशन सोचते हैं, फिर पोस्ट होता है, शूटिंग होती है, सब मिला के ऑलमोस्ट 1 मंथ। एक महीने के बाद लोग इसको प्रमोट कीजिए अच्छे से। कांच नाम रखने का यूनिक क्या था? ये शीशा हो या दिल हो, आपकी टूट जाता है। थोड़ा नहीं है इसमें, नहीं नहीं आप समझे नहीं, शुरुआत का मौका दे रहे हैं, ये टूटेगा तब तो कहीं लगेगा। नहीं नहीं, 3 दिन बाद सुकून मिल रहा ना आपको। आप सब में से किनका किनका दिल टूटा है जो कांच याद आ गया? मेरा रोज टूटता है, सुबह टूटता है, शाम तक फिर लग जाता है। नहीं, सबसे पहली बात है कि सॉन्ग दिल किसी का टूटा हो या ना टूटा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये गाना देख के जिनका टूटा होगा उनका जुड़ेगा और जिनका जुड़ा हुआ है शायद टूट जाए। राम बाबू आप देखिए, एक बार टूटेगा एक बार जुड़ेगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि किसी ना किसी के साथ ये हादसा हुआ है जो सुकून है, सुकून भी मिलेगा, सुकून मिलेगा। किसी ना किसी के साथ ये हादसा हुआ है गाने में जो स्टोरी है, तो 100% वो कनेक्ट करेगा और गाने को पसंद करेगा, मेन ये चीज है। पहले मैं ऐसा लगता है कि गाने को प्रमोशन में 3-3 चार-चार कंपनियां जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहिए साथ इतनी कंपनी साथ से करना? एक साथ मैं तो और चाह रहा था 10-15 आ जाए। अरे लेकिन कम है ये तो देखिए, एक ऐसे वक्त में जहाँ आज के दिन में 4 आदमी साथ नहीं खड़ा होता है, एक एल्बम में हमारे साथ 4 बैनर खड़ा हो गया। अगर अब फिल्म बड़ी हम सोच लेंगे तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। और भी थे लेकिन जगह कम थी तो इस वजह लगा नहीं पाए, वो 6 सीटर होता तो उसमें प्रॉपर आ जाता। सर एज ए एक्टर आपकी बात की जाए तो आप हमेशा कुछ अलग अलग करते रहते हैं, जैसे कि रूम शार्ट मूवी भी ताजा है आपने पकड़ लिया, जिसमें भी किस तरह से नजर आने वाले? आप पुराने, बहुत पुराने खिलाड़ी हो मुझे समझ रहा हूँ, हर प्रेस मीट में पकड़ लेते हो मुझे आप। बस मैं ये बोलूँगा, बहुत मेहनत से मुंबई आया, एज ए कोरियोग्राफर अपना करियर स्टार्ट किया था, असिस्टेंट कोरियोग्राफर था, कानू दादा बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनका असिस्टेंट रह चुका हूँ मैं, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मैं नाम उनका इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ हिम मैं मुंबई में हूँ, उनकी बदौलत मुंबई में मुकाम बना पाया हूँ। देन उसके बाद एक्टिंग में आया, साबिर जी ने बहुत अच्छा ब्रेक दिया मुझे, उसके बाद धीरे धीरे करके एज ए कोरियोग्राफर काम करते 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 एक्टर बन गया। लोगों ने बोला स्क्रीन के पीछे क्यों फालतू नाचते हो, ठीक ठाक दिखते हो, शक्ल सूरत ठीक है तो एक्टिंग करो। हमने ठीक है एक्टिंग दे दो तो कर लेंगे। तो आज टच फूड ऊपर वाले के करम से, आप लोग के आशीर्वाद से 5-6-7 फिल्में कर ली है, 2 फिल्म आने वाली, रिलीज़ होने वाली है, फाइनली आज म्यूजिक वीडियो में भी आ गए। तो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और टच फूड एक्सपेरिमेंट सब सारे पास होते जा रहे हैं। जी आप भी कभी पर्दे पे आएंगे या बिहाइंड ही रहेंगे? लॉन्च कीजिए, बनिए प्रोड्यूसर, सर लगाइए। भैया प्रोड्यूसर बन गए? अरे तो हम कौन से पीछे जा रहे हैं, हमें तो पैसा दे के जो करवा लीजिए कर लेंगे। प्रणब जी की लॉन्चिंग भी मैं ही करूँगा, टेंशन नहीं, जल्दी। दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि बहुत मेहनत से हम लोग, पूरी टीम है जो भी, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो आप अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे उतना हम हिट होंगे और उतना ही हम और कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ और अच्छी फिल्म, अच्छा म्यूज़िक वीडियो, मतलब जो आपको पसंद आएगा वो बनाने की कोशिश करेंगे। आप जितना प्यार दोगे हमारे लिए उतना कम है, उतना ही अच्छा है। थैंक यू, मतलब सपोर्ट किया है और टाइम, सबसे पहली बात तो टाइम से आए, क्योंकि मोस्टली होता है कि 7 बजे का टाइम होता है, 8:30 बजे आते हैं सर न्यूज़ चैनल जो भी है, बट बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैं देखा कि 7 बजे का टाइम था, 7 बजे शाम सारे लोग यहाँ पे उपस्थित।